आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों का स्पेशल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हॉट एंड सॉर सूप, जो खाने में टेस्टी तो है ही साथ सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। सर्दियों में हम अलग अलग तरह के सूप बनाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले हैं और आज जो टाइम चल रहा है उसके लिए तो हर किसी को सूप पीना चाहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हॉट एंड सॉर सूप बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच में बटर डाल रही हूँ। आप चाहें तो बटर की जगह तेल या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1 चम्मच बारीक कटा हुआ मैंने लहसुन लिया है, ये डाल लेते हैं, भून लेंगे इसे अच्छे से। और साथ ही साथ 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक ली है, इसे भी डाल लेते हैं। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो वो भी ले सकते हैं आप। 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेंगे, लगभग 1 मिर्च है ये, भून लेंगे इसे भी अच्छे से। अब कुछ मैंने कलरफुल सब्जियाँ ली हैं तो बारीक कटी हुई वो भी, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई गाजर, कुछ मैंने सफ़ेद वाला स्प्रिंग अनियन लिए हैं, कुछ हरे वाले लिए हैं। तो ये लगभग सारी सब्जियां 4 बड़े चम्मच हैं, इन्हें डाल लेंगे। सब्जियां यहां आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकती हैं, और जो सब्जियां आपको ज़्यादा पसंद है वो आप ज़्यादा ले लीजिए, जो कम पसंद है वो कम ले लीजिए। तो इन्हें अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, सारी सब्जियाँ पका लेंगे अच्छे से। स्प्रिंग अनियन हम थोड़े बाद में डाल देंगे, उनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, और सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा इनमें क्रंच रखना है। तो 2 मिनट मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे, तो लगभग 3 कप हम इसमें पानी डाल लेंगे, या आप अपने हिसाब से, थोड़ा कम पतला चाहिए तो आप कम ले सकते हैं पानी, ज़्यादा पतला चाहिए तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिला लेंगे, उबाल आने देंगे। देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसमें सॉस डाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम रेड चिली सॉस डाल लेंगे थोड़ा सा, ये मैंने 1 चम्मच रेड चिली सॉस लिया है, ये डाल लेंगे। 1 चम्मच सोया सॉस डाल लेते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ विनेगर लिया है, यानी कि सफ़ेद सिरका, ये डाल लेंगे, मिला लेंगे अच्छे से। अब 1 चम्मच मैंने यहाँ सेज़वान सॉस लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ये घर पे ही मैंने बनाया है। अगर आपको वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिए वहाँ। अब 1 चम्मच हम टोमेटो केचप डाल लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्टी टैंगी फ्लेवर आएगा, बिल्कुल डाल लेते हैं। मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को। अब हमें 1/4 छोटी चम्मच यहाँ काली मिर्च डाल रही हूँ। स्वादानुसार हम नमक डाल लेंगे, नमक हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि इसमें जो भी हमने सॉस डाले हैं उनमें हल्का नमक होता है। 1 चम्मच मैं धनिया के जो डंठल होते हैं वो डाल रही हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हम स्प्रिंग अनियन डाल लेंगे, मिला लेते हैं अच्छे से। और अब इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है, तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पानी लिया है और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। इसकी स्लरी हम तैयार कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम जो हमने सूप बनाया उसमें मिक्स करेंगे, इससे हल्का सा गाढ़ापन आएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करेंगे, एकदम से नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्ब्स पड़ जाएंगे, इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी अगर एकदम से आपने डाला। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, देखिए आप देख पा रहे होंगे हल्का हल्का गाढ़ापन इसमें आ गया है। देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सूप बनकर तैयार हुआ है। 2 मिनट और पका लेंगे इसे, फिर सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म हॉट एंड सॉर सूप बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और साथ ही साथ सभी के लिए हेल्दी भी है। तो आप भी सर्दियों में ये सूप बनाइए, खाइए, सभी के साथ इंजॉय कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आए तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।